खरगोन जिले के महेश्वर में पुलिस ने आईपीएल के सट्टे को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। नवागत एसपी सिद्धार्थ चौधरी की विशेष टीम ने कार्यवाही में अंजाम दिया है। पुलिस ने 1,44,000 रुपये केस के साथ 5 आरोपियों को मौके से पकड़ा है। इस दौरान 36 मोबाइल, 3 लैपटॉप सहित बड़ी मात्रा में उपकरण भी जब्त किए गए हैं। बीती रात आईपीएल के चेन्नई और सनराइजर्स के बीच चल रहे मैच के दौरान खरगोन जिला मुख्यालय से पहुंची विशेष टीम ने कार्यवाही की है। आईपीएल का सट्टा भाजपा नेता भूपेंद्र जैन के मकान में चल रहा था। नवागत एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने मीडिया को बताया कि भूपेंद्र जैन के मकान पर छापामार कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आईपीएल के सट्टे पर कार्यवाही की है। पुलिस को आशंका है कि पकड़े गए आरोपियों के तार किसी बड़े गिरोह या नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी कि महेश्वर में भूपेंद्र जैन नामक व्यक्ति जो अपने घर से एक आईपीएल के मैच जो कल हैदराबाद चेन्नई के बीच मैच था उसमें सट्टे की बात सामने आई थी। दो इंस्पेक्टर दीपक और सुदर्शन के नेतृत्व में यहाँ से दल भेज के उनको पकड़ा गया। उनके कब्जे से सट्टे के जो उपकरण थे टीवी मोबाइल 36 मोबाइल लैपटॉप्स और नगद 1,44,000 रुपये राशि जब्त किया गया है। उनके पास लाखों की सट्टे की हिसाब किताब भी मिला है। पुलिस ने सभी उपकरणों को जब्त किया है। साथ में उनके खिलाफ फर्जी सिम उपयोग करने के संबंध में भी धाराएं बढ़ाई गई हैं। जी कितने 1,44,000 रुपये राशि जब्त किया गया है। कितने आरोपी सर उसमें? कुल मिला के 5 आरोपी हैं। कौन सा टीम का सर? हमारी जो साइबर टीम है उसको सूचना मिली थी और उनके द्वारा कार्रवाई की गई। सर ये अंतरराज्यीय गिरोह से इससे तार हो सकते हैं सर? कहीं ना कहीं जिस तरह आईपीएल अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके सामने अनुसंधान में हम जो है अगले कार्रवाई करेंगे। जिस मैच के लिए सर आईपीएल के मैच जो कल चेन्नई और हैदराबाद के बीच में था उस मैच में ये सट्टा हो रहा था जो पकड़ा गया सर भाजपा नेता जिसके मकान से पुलिस में भी कि हमें जानकारी नहीं है। अपराधी जो गिरफ्तार किए गए उन सभी जो मिले थे उनको गिरफ्तार किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।